हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। तो आज हम सेकंड स्टैंडर्ड में हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी थर्ड पोएम, दिन निकला। सुबह होते ही क्या निकलता है? दिन निकलता है। चलो, ई की मात्रा, इसमें किसकी ई की मात्रा आई है। अब हम ये पोएम पढ़ते हैं। दिन निकला रवि आया, दिन निकला रवि आया, किरण आ कमल खिला, किरण आ कमल खिला। जब सन राइज होता है तब क्या होता है? किरण आता है, रे आता है, और जो फूल पत्ते सब खिल जाते हैं। चिड़िया तिनका तिनका ला, चिड़िया तिनका तिनका ला, लाकर अपना घर बना, लाकर अपना घर बना। चिड़िया वो खेत में से थोड़ा कचरा जैसा वो तिनका तिनका लेके आती है और वो उनका घोंसला बनाती है। नदियाँ तट तक बहकर आ, नदियाँ तट तक बहकर आ, शिवम आ गिटार बजा, शिवम आ गिटार बजा। ये शिवम आता है और गिटार बजाता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पेज हम एक्सरसाइज करेंगे। शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। दिन का होता है डे, कमल लोटस, नदिया रिवर, रवि सन, चिड़िया बर्ड्स, टट बैंक, किरण रे, तिनका स्ट्रॉ, गिटार गिटार। क्वेश्चन नंबर 1, क पढ़िए और समझिए, रीड एंड अंडरस्टैंड। न ई क ला निकला, स ई व म शिवम, कई ताब किता, ख ई ला खिला, ग ई टार गिटार, द ई क ट, ट ई कट टिकेट टिकट। ख पढ़िए और समझिए। दीन, दीप प्लस द प्लस न, दीन। अश्व प्लस क प्लस र अण, किरण। अश्व प्लस छ, अश्व प्लस ड प्लस या चिड़िया। अश्व प्लस त प्लस न प्लस का तिनका, न प्लस अश्व प्लस द प्लस या नदिया। अश्व प्लस ल प्लस फा लिफाफा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों में ई अश्व की मात्राओं पे राउंड सर्कल करना है। चलो, इस पे सर्कल लगाना है अश्व पर। यहाँ पे कहाँ है ये चित्र का ची। अब नेक्स्ट दिन का अश्व, मिला का अश्व, लिख का ली, सितार का सी, गिटार का गी, मिठास का मी, चिड़िया का ची, और डी, सॉरी यहाँ पे छूट गया, हिसाब का नी, टिकट का टी, चिड़िया का जिड़क का जी, किताब का की। ओके, कर लिया हमने। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखिए और की लगाकर शब्द पूरा कीजिए। क्या लगाना है?
की, सब में की लगाना है। ये क्या है, किताब, यहाँ पे की लगाया है, यहाँ पे हम की लगाएंगे। किशमिश, क्या बना, कौन सा वर्ड बना, किशमिश, ये रहा किशमिश। किवाड़, किवाड़, किनारा, किनारा, किला, किला, किरण, किरण, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क, समान लय वाले शब्द बनाइए। किला लिखा, मिला, नेक्स्ट खिला, नेक्स्ट सिला, ओके। नेक्स्ट पेज 22, पेज नंबर ख, इनके लिए एक शब्द लिखते हैं। राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ये कौन है जो चित्र बनाता है, कौन है चित्रकार, तो हम यहाँ का पे क्या लिखेंगे, चित्रकार, ओके। जो खेती करता है वो कौन है, इनमें से कौन है, किसान, ठीक है, किसान, ओके। जो बच्चों को पढ़ाता है वो कौन है, आप सब पढ़ते हैं, वो कौन है, किसे पढ़ते हैं, शिक्षक से, हम लिखेंगे यहाँ पे शिक्षक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, लिख कर सीखिए, राइट एंड लर्न, ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, ओके, सेम टू सेम, ओके, थैंक यू। यहाँ पे आपका क्लास ख़त्म हो रहा है, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में करना है, ओके, थैंक यू।